असलम एवरी वन वेल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की है एंड आई थॉट के यू नो वाई नॉट शेयर इट विद यू यूगा एंड योर आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस वेल जनरली हमें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है एंड हम अल्लाह से खूब मांगते हैं और ज़ाहिर सी बातें मांगना भी अल्लाह से ही चाहिए तो यू नो एट टाइम्स हम अल्लाह से कहेंगे कोई कोई चीज़ दुनियावी चीज़ हम हमारे ऊपर यू you नो know, ज़्यादा असर करती है हमारे दिल पे हमारे दिमाग पे ज़्यादा असर करती है और हम आ, हमारे दिल में उसकी चाहत ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि एट टाइम्स जब आप यू you नो know, एक गाड़ी देखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे एक गाड़ी दे दो हो सकता है आपको वो मिले हो सकता है आपको ना मिले आप कोई बड़ा घर देख लो किसी का भी घर देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल या कहीं चले जाओ और आप अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे ऐसा घर दिला दो हो सकता है अल्लाह वो बात सुने ना सुने एट टाइम्स यू नो कोई बीमारी होती है अल्लाह हम सबको हर हर बीमारी से हमारी हिफाजत करे लेकिन यू you नो know, हम कहते हैं कि अल्लाह इस इस बीमारी का इलाज कर दीजिए आप अल्लाह उसे तय करे ना करे तो यू you नो know, हर चीज़ में अल्लाह की हमत है वो हमें आज समझ में नहीं आती कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों हमारे साथ ये चीज़ नहीं हुई और यू you नो know, हम जनरली जो होती है उसका शुक्र करना कम होता है और जो नहीं होती है उसकी कंप्लेन हमारे अंदर ज़्यादा होती है तो यू you नो know, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि एक चीज़ जो है ना वो वो फॉर श्योर आपको मिलनी अगर आप अल्लाह से मांगो एंड दैट इज गाइडेंस तो जब मैंने अल्लाह से गाइडेंस मांगा ना आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चेंज होने लग गई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे दूसरे दुनियावी मसले थे ना वो भी ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग गए एंड थिंगस स्टार्टड मेकिंग यूज 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 यू टर्न इन माई लाइफ एंड आई वॉज लाइक अच्छा ये मतलब मेरी लाइफ में बहुत मसले रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट और ऑन एंड ऑफ रहते भी होते भी रहते हैं तो आई जस्ट से अल्लाह के अल्लाह यू नो प्लीज़ इन मसलों से बाहर निकालो ये ऐसे वैसे एंड आई कीप आस्किंग एंड ऑलवेज से अल्लाह के अल्लाह मुझे गाइडेंस दीजिए मुझे मुझे सही तरीका बताया बिकॉज मुझे सही तरीक़ा नहीं आता है बिकॉज हम इंसान है ना हम हम रेस्टलेस हो जाते हैं और हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है कभी कभी हम उसके लिए कभी यू you नो know, नामुनासिब तरीका भी अपना लेते हैं एंड वी फील कि नहीं ये नहीं होना चाहिए ये चलता है दुनिया है बट अगर अल्लाह अपने तरीके से अगर हमारे लिए कोई चीज़ सॉल्व कर दे और हमें दुनियावी तरीके की यू नो झूठ बोलने की धोखा देने की ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े तो कितना ही अच्छा होगा तो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से मांगे और सबसे जब भी मांगे ना अल्लाह से खैर मांगे क्योंकि हम हम नादान हैं हमें समझ नहीं है तो हम कभी भी अल्लाह से कुछ मांगते हैं अल्लाह ये देते हमें नहीं पता उसके अंदर हमारी खैर या नहीं ये चीज़ हमारे लिए आगे जाके अच्छी होगी कि नहीं तो हम अल्लाह से हमेशा ये कोशिश करें कि अल्लाह अगर इसके अंदर हमारे लिए खैर है और आगे मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ये दे दो तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप अल्लाह से सबसे 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 जो अल्लाह के जो अल्लाह का जो ख़ज़ाना है ना कहते उसमें से सबसे कीमती जो ख़ज़ाना है ना वो हिदायत है और उनकी गाइडेंस है तो हम कोशिश करें कि जो अल्लाह के पास सबसे महंगी चीज़ है ना उनके खजाने में वो मांगे क्योंकि जब ये मिल जाता है ना तो हमारी लाइफ नूर अल्लाह नूर हो जाती है और जब वो मिल जाता है तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है और आखिरत भी बेटर हो जाती है तो बस अल्लाह से यही मांगे सबसे इम्पॉटेंट कि अल्लाह हमें हिदायत दे सिरातमस्तकीम के रास्ते पर चला और ईमान पर मौत दे कलमे पर मौत दे और बस अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा बाकी बाकी सब हमारे लिए सेकेंडरी है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाए तो बस हम अल्लाह से खैर मांगे आफियत मांगे दुनिया आखिरत की आफियत मांगे और अल्लाह से जितना चाहे मांगो अल्लाह कभी नहीं कहते कि बस कर बस कर बहुत हो गया बहुत मांग लिया आज के लिए काफ़ी है इस महीने के लिए काफ़ी अल्लाह कहते और मांग और मांग तू अपनी ज़ात देख के ना मांग तू मेरी जात देख के मांग तो अल्लाह देने वाला है और अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें दे सकता है जो हम गुमान भी नहीं कर सकते कभी कभी नहीं कोई मुझे कहता है कि सना आप ये कर लोगी और मुझे लगता है यू you नो know, मैं कर सकती हूं पर मेरे बस की बात नहीं है आई रेडी फॉर इट तो हम कभी कभी अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेते हैं लेकिन अल्लाह जानता है कि आप ये कर सकते हैं अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक इसीलिए तो बनाया है बिकॉज़ ही नोज़ कि हमारे अंदर वो ख़ूबियाँ है तो हम इस खूबी को और हम इस लक़ब को जो अल्लाह ने हमें दिया मखलूक का वो हम उसे यू नो सही तरीके से यूज़ करें और आ, बस अपनी ज़िंदगी खैर और आफियत वाली आ, रखे और अल्लाह को राज़ी करके रखे और मैं इतने मुबारक जगह मदीन मदीना में हूँ और रोज़े मुबारक के एग्जैक्टली यू नो यहाँ बैठी हूँ मतलब आ, सच कहूँ तो मैं जब तक यहाँ रहती हूँ ना मुझे तब तक यकीन नहीं होता है कि मैं इधर हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं वाकई इधर हूँ मैं वाकई इधर हूँ मुझे घड़ी घड़ी अपनी बार बार खिड़की खोल के देखनी पड़ती हाँ 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 यहाँ ये मैं यहाँ हूँ तो अल्लाह बस हमें यहाँ बार बार बुलाए और यू नो वसल्लम की जो सीरत है उस पर हमें आ, अमल करने वाला बनाए और एक बेहतरीन उम्मत बनाए और आ, बस यही कहना चाहती तो बस अल्लाह से खूब मांगे अल्लाह से खूब मांगे अल्लाह अल्लाह आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे एज़ लॉन्ग एज हम हलाल मांगे हलाल तरीका से हलाल तरीके से जो हमारी ज़िंदगी जीना है जो हमारी चाहते हैं जो डिज़ायर्स है वैसे मांगे और बस इन कामयाबी ही कामयाबी है वालेकुम